चंदा बस ए ही दीजो अगले जन्म अगले बबुआ, आज पहली बार घर पे रहते हुए भी तुमने बाबूजी सवेरे के पूजा आरती में नहीं है। ये हमको अच्छा नहीं लग रहा। आप बाबूजी की फिक्र मत कीजिए, वो अपना कमरा में आराम से, आरती वो अपना कमरा में सुन ही रहे होंगे। बाकी अगर आप ही चाहती हैं कि हम उनको आजाद कर दें और यहाँ राज के नाम पर तानेशाही करें, ये हम होने नहीं देंगे। ये बदलाव जो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं सबके भले के लिए, और हम चाहते हैं कि इसमें आप लोग हमारा साथ दें, ना कि हमें रोकें। ऐसे उनको कमरे में बंद करके रख के कुछ नहीं बदला है बाबा। वो आज भी तुमने बाबूजी है। अच्छा होता अगर तुम हमारी बात मान लेते। तो क्या आप हमको विश्वास लाती हैं कि वो आगे चलकर अपने कुकर्म नहीं करेंगे? नहीं दिला सकती हैं विश्वास। लाली, ये तुम्हारे बाबूजी को ठाकुर परसाद। अपनी औकात देखिए, हमका परसाद देगी? कितनी बड़ी पुजारन है तू। आ जानती है ना कैसन लाए थे तुझे यहाँ? एकाओ अन्न का दाना नहीं था तोहरे घर में,
पूरे 90,000 कड़कड़ाहट नोट दिया था। हमका प्रसाद देगी, प्रसाद खिलाने का इतना शौक है, जाके वो बांसुरी वादक प्रसाद खिला, तोहरे प्रेमी को प्रसाद खिला, ओकरा जरूरत है प्रसाद की, हमका नहीं। अरे सुकर मना, हमरा पोता के कारण तू यहाँ खड़ी है अपने दोनों टांगा पर। अरे हमरी बहू को नहीं बख्शा तो तू कौन खेत की मूली है? आसपास के गांव में जाके ठाकुरों के घर में झांक के देख, पता चलेगा तुझे कि तोहरा जैसी दो कौड़ी की चिड़ैया का बात होती है वहां। ठाकुर लोहा सिंह ने इज्जत दिया अपना हवेली माँ तो सर पे बैठ के नाचेगी। हवेलिया खाने का प्रोग्राम बना लिया है, ससुरी खेल तू शुरू किया है ना, अंत हम करूंगा। सौ चोट सुनार का तो एक लोहार का। चल निकल यहां से। अब तबीयत कैसा है बड़का ठाकुर? चलिए तनी देर उठ जाइए आराम से। हाँ बरसाती ये रहा आपका सवेरे का दवाई। दवाई नहीं खाना है, कहे कि हम मान गए कि हमरा अंत आ गया है। सवेरे सवेरे लगे अनशन बतिया, चुपचाप रहा कीजिए आप, कुछ बोल देंगे। चली लीजिए अभी दवाई खाइए। लाली हमको परलय आते दिखाई दिया है। सब कुछ टूटते बिखरते बर्बाद होते देखा है हमने। हमारा अंत आ गया ये बात का हमें डर नहीं लगता। डर तो ये बात का लगता है हमारे सामने अपना कोई संसार को छोड़ के न चला जाए। बहुत तकलीफ देखी हमने, अब और नहीं देखी जाती। इसलिए चाहते हैं कि कौनो और अशुभ दिखने से पहले हम इस संसार से सिधार जाए। एकदम चुपचाप रहिए बाप, चुप करके ही दवाई खाइए। काहे आप हमको ऐसे डराते रहते हैं, समझ में नहीं आता। डरवा नहीं रहे हैं लाली, आगाह कर रहे हैं। सब कुछ बिखर सकता है और इसमें केवल तुम ही हो जिससे उम्मीद की जा सकती है। कहे कि ये तो तय है कि तकलीफ आ रही है, परलय आ रहा है।
शेखर बबुआ जी, हमका भयदान्त है कि आपने जिंदगी का सबसे बड़ा गलती कर दिया, इसलिए कि अभी आपका सत्यानाश नहीं सर्वनाश होगा। बाहर आओ, ये मर्दों की बात है, बीच में मत आ। कौन सा बात है? हम रिखवा को यहां से ले जा रहे हैं। हम लोग तो अपना वचन निभा दी, पर तुम अपना वादा नहीं निभा पाए। रेखा की चिंता हमको तुमसे ज्यादा है, ठीक है ना? बाकी कोनो अच्छा लड़का भी तो मिलना चाहिए ऐसे जाके। हमारी बात मानो तो रेखा से तुम ही ब्याह कर लो। हमको पता है कि तुमको छोटी जात की औरतें बहुत ही पसंद है। दबाओ जाओ के बात कर। पता नहीं क्या रेखवा मेरे कहाँ है? कहाँ फर्क पड़ता है? ठाकुर लोग इतना थोड़े ना सोचते। और आप तो गुस्सा गए। इस शांति से विचार कीजिए। अगर तुम चाहते हो रिखवा हमारे साथ ना जाए तो तुम्हें उससे ब्याह करना पड़ेगा। ऐसे कैसे ब्याह कर लेंगे? कोई जबरदस्ती है क्या? वो हमरे जीजा जी है। हमरी जिंदगी में लाली के सिवा और कोई नहीं आ सकता। और हम तुम लोगों को रेखवा को यहां से ले जाने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान क्यों ना चली जाए। रुकिए, रुकिए आप। क्या बात है? इसको काहे पकड़? इसका साथ में लेके जा रहे हैं। जो शेखर ठाकुर है ना, इसके ब्याह का वचन दिए थे हम लोगों को और अब वो वचन पूरा नहीं कर पाए। छोट जात है तो घूर पे पड़ी रहेगी। गोबर पाथने और बच्चा पालने के लिए नहीं लाए थे ही, ब्याह रचाने के वास्ते लाए थे।
और अब ब्याह नहीं हो रहा है तो हम लेके जा रहे हैं। ऐसे कैसे लेके जा रहे हैं? हम ठाकुर हैं और इसकी जिम्मेदारी अब हमारी है। हम ब्याह करेंगे इससे। तोहरे बाप का राज है का? अपनी मां से पूछा? धूमधाम शादी करेगा? अरे ये कम है क्या? छोट जात की हवेली मां, देख कितना नरक फैलाया हुआ है। हमारी हवेली नहीं चाहिए नरक। बाहर जाकर जो करना कर, बहुत मेहनत से इज्जत कमाया हूं। एक ही बात सुन रहा शेखर बाकी, वो कहावत नहीं सुनी, अंधा पीसे बहरा खाए। अरे तो ससुरबा अंधरा गया, यहाँ पत्थर पड़ गए एकरे। एक ही बात सुनेगा कुछ नहीं मिलेगा। जा मर्सी दीदा फैसला कर, बाद में कहना, धूमधाम शादी करूंगा। तोहरे बाप का राज है का? ये अच्छा जोड़ है, ठाकुरों के यहाँ छूट जात का दूसरा ब्याह। ये तो सब ठीक बा, बाकी जब तक तुम पूरे विधि विधान से इसे ब्याह नहीं कर लेते तब तक हम लोग यहां पर ही रुकेंगे। अब और दोबारा कोनो धोखा नहीं खाना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग यहां रह सकते हैं। बाकी बंदूक बंदूक यहाँ नहीं रही, काहे कि हमरा घर है। बिटिया खुश रहो, हम लोग चाहते थे कि तुम्हारा ब्याह अच्छे से हो जाए, सो हो गया। ठाकुर लोग तुम्हें बहुत ही अच्छे से रखे। हम पर विश्वास नहीं है का? हमको तुम पर पूरा विश्वास है। मतलब यह हमारी हवेली में सब नहीं चलेगा भगीना। जो करना जा अपनी हवेली में जाके कर, ले जाए इसे। बाबूजी आप तो चुप्पी हो जाइए, आप आपकी छोटी सोच के वजह से वो कमरा में हैं, जो कि आपके लिए एकदम सही है जगह। और आप लोग भी कान खोल के सुन लीजिए, आज से एक हफ्ता बाद ठाकुर मधुर और रेखवा का ब्याह होगा पूरा रीति रिवाज से।